अध्याय छः। उन दिनों में जब चेले बहुत होते जाते थे तो यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानियों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। तब उन बारह चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, ये ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नाम एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और फिलिपुस, प्रोखुरुस, निकानोर, तीमोन, परमिनास और आंता की वाला निकोलाउस को जो यहूदी मत में आ गया था चुन लिया। इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई। याजकों का एक बड़ा समाज भी इस मत के अधीन हो गया। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। तब उस आराधनालय में से जो लिब्रतीनों की कहलाती थी और कुरेनी और सिकंदरिया और किल्किया और एशिया के लोगों में कई एक उठकर स्तिफनुस से वाद विवाद करने लगे, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वो बातें करता था वे सामना न कर सके। इस पर उन्होंने कई लोगों को उभारा जो कहने लगे कि हमने इसको मूसा और परमेश्वर के विरोध में निंदा की बातें करते सुना है। और लोगों और प्राचीनों और शास्त्रियों को भड़काकर चढ़ाए और उसे पकड़कर महासभा में ले गए और झूठे गवाह खड़े किए जिन्होंने कहा कि ये मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलना नहीं छोड़ता, क्योंकि हमने उसे ये कहते सुना है कि यही यीशु नासरी इस जगह को ढा देगा और उन रीतों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी हैं। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उसकी ओर ताक कर उसका मुखड़ा स्वर्गदूत का सा देखा।